हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ का, ऐसे ही रैंडमली। पीछे दिख रहा होगा आपको कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये बेसिकली हमारा अर्थमेटिक जो सरकारी कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए, रेशियो और स्टीम बोट जो हमने पढ़ा है ना, धारा, नाव की चाल, धारक दिशा में x प्लस वाई, धारक विपरीत दिशा में x माइनस वाई, उस टाइप के सवालों में ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है, खासकर रेशियो और अनुपात ये सब सवालों में, ठीक है। तो बेसिकली ये नियम कहता है क्या, काफ़ी सिंपल है, जस्ट बहुत ही लेकिन ट्रिकी है, आप इसको मतलब समझ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई आपका रेशियो है, ठीक, कोई आपका रेशियो है, वो मान लीजिए ये है, कोई आपका दो रेशियो दिया है, एक दिया है 1/a/b इज इक्वल टू c/d, ठीक। ये आपका एक रेशियो दिया है a/b इज इक्वल टू c/d, ठीक, ये आपका रेशियो है एक। अब इसको हम इसके अनुसार, कॉम्पोडेंडो के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं, किसके अनुसार, कॉम्पोडेंडो के अनुसार, अकॉर्डिंग कॉम्पोडेंडो, ठीक, इसके अनुसार हम इस रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू, इधर हमने बी जोड़ा है ऊपर अंश में, ठीक, तो ये d जो हर है वो c में जुड़ेगा, तो c प्लस डी इज इक्वल टू ये, यह है कॉम्पोडेंडो का नियम, ठीक। a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए आपका कोई दो रेशियो है, ठीक, आपका दो रेशियो दिया है 2/3, ठीक, इज इक्वल टू 4/6, ये आपका बराबर है ना भाई, ये आपका तो बराबर है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको इसके अनुसार लिखे, हम कॉम्पोडेंडो के अनुसार अगर लिखे हम, तो क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4/6 डिवाइडेड बाई 6, सॉल्व करने पर 5/3 इज इक्वल टू 10/6। अगर हम इसको कट करें 2 से तो 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, बराबर आ गया, यानी ये प्रूफ होता है कि ये बिल्कुल सही नियम है। अगर हम डिविडेंडो का रूल लें, डिविडेंडो का अगर हम इसका रूल है डिविडेंडो का, डिविडेंडो का रूल ले हम, ठीक, अगर हम डिविडेंडो का रूल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा। देखिए क्या होगा, डिविडेंडो के अकॉर्डिंग ए जस्ट घट जाएगा इसमें, इसमें हम जोड़े थे, इसमें हम अंश में हर को जोड़े थे, इसमें हर जो है हर घट जाएगा, हर घट जाएगा किसमें, ए से बी घट जाएगा, यहाँ पे सी से डी घट जाएगा, इसमें अंश में घटेगा, अरे हर में इसमें घटेगा, इसमें कॉम्पोनेंटो में जुड़ेगा। अगर इसको भी प्रूफ कर, इसको भी चाहे तो आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, देखिए कितना जाएगा, 2-1 इज इक्वल टू 4-2, ये दोनों बराबर हैं, बात सिंपल सी है। अगर हम चाहें तो कॉम्पोडेंडो और डिविडेंडो दोनों को एक साथ मर्ज करके, दोनों को एक साथ जोड़ करके एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, बेसिकली वो होता क्या है, अगर हम दोनों को एक साथ अप्लाई करें, इसको और इसको दोनों को एक साथ अप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्पोनेंटो में जुड़ा, डिविडेंडो में अनहर में घट गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ मर्ज करने पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी अगर कोई हमारा रेशियो ए बाई बी है, सी बाई डी है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्पोडेंडो के अकॉर्डिंग, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी माइनस डी यहाँ पे था, डिविडेंडो के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों को हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को मर्ज करके, कैसे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी,
ऐसे, ये थ्री फार्मूला आपका, एक ये, एक ये और एक ही, ये तीनों फार्मूले आपके होते हैं, रख लीजिए। अब बोलेंगे सर इसका आप यूज़ कहाँ पे है, आप बोल रहे थे रेशियो पे, तो रेशियो में इसका यूज़ अभी आपको हम बताते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए हमारा एक प्यारा सा सवाल दिया है, जस्ट सिंपल कि हमारा एक सवाल दिया है, हमारा कौन सा सवाल है, सवाल क्या करें, अगर हमारा मान लीजिए एक सवाल है a प्लस बी ठीक डिवाइडेड बाई a माइनस बी दिया है, हमारा क्या दिया है 5 ठीक, ये हमारा सवाल दिया है और आपसे पूछा है a बाई बी का रेशियो, ये आपसे पूछा है ठीक। अब क्या करेंगे आप बोलेंगे सर इसके बटे हम 1 मान सकते हैं, मान लेंगे। अब इसको हम पूरे को a मान लेते हैं, इसको पूरे को हम b मान लेते हैं, इसको पूरे को हम c मान लेते हैं, इसको पूरे को हम d मान लेते हैं, a बाय तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये पूरा a, ये पूरा b, ये पूरा c, ये पूरा d। अब फार्मूला लगा देंगे हम किसका, इन दोनों को मर्ज करके, क्या इन दोनों को मर्ज किए थे तो क्या फॉर्मूला आया था हमारा, इन दोनों को मर्ज किए थे तो हमारा क्या था a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी। अब लगा दीजिए क्या हो जाएगा हमारा, a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, पूरा ये है तो a प्लस बी ये पूरा हमारा a है, फिर डिवाइड प्लस करेंगे b ठीक, b क्या है हमारा, b ये है तो जोड़ देंगे, फिर a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, भाई घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसी प्रकार 5 + 1 5 - 1 जस्ट सिंपल। अब b से भी कट्टम कुट्टा, a से कट्टम कुट्टा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2a डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल टू 6 प्लस 4, ये कैंसिल, यानी हमारा a बाई बी का रेशियो कितना आ गया, a बाई बी का रेशियो 3/2, ये है हमारा क्या, ये है हमारा आंसर। जस्ट सिंपल, आपको रेशियो में इस टाइप के बहुत सवाल पूछेंगे, आपके काम भी आएगा आगे ठीक है। आप पूछेंगे सर इसका यूज धारा नाव के चाल में कहाँ पे होता है, एक इसका यूज धारा वाले नाव में चाल होगा ना, जब पढ़ते हैं आगे कि धारक चाल जुड़ जाती है, धारक चाल घट जाती है, स्ट्रीम बोट, स्टीम और बोट वाले सवाल में, उसमें आपके वहाँ पे ऐसे काम आएगा, आपको बहुत जल्दी सवाल बन जाएगा ठीक। मान लीजिए आपका कहीं कभी किसी कंडीशन में, मान लीजिए आपका कहीं ऐसा बन गया आपके सवाल के अंदर में, आपको सॉल्व करते टाइम सवाल में ऐसा बन गया कि मान लीजिए आपके धारक नाव की चाल, आपकी बोट की जो चाल है, आपकी जो बोट की चाल है, बोट की चाल, बोट की चाल, बोट वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्स है, स्ट्रीम वेलोसिटी धारक चल क्या है हमारा बिलो, अरे यार वाई है ठीक। आपका मान लीजिए आपका दिया है कोई नाव धारक दिशा में जाता है तो एक्स प्लस वाई, धारा की विपरीत दिशा में जाता है एक्स माइनस वाई ठीक। इन सवालों को सॉल्व करते टाइम बीच में कभी मान लीजिए ऐसा आया कि मान लीजिए आपका आपको कहीं ऐसा मिल गया 6/8 नहीं 6/8 नहीं ये तो कट जाएगा 6/5 ठीक, ऐसा आ गया आपका। अब इस अब आपको तुरंत आंसर चाहिए, आंसर कैसे चाहिए, जब आपको डायरेक्ट इसका और इसका रिलेशन पता हो, यानी यदि हमको पता हो कि हमारा धारा जो नाव की चाल है वो धारा धारक चाल का दुगुना है या आधा है या 3 गुना है, भाई अगर हमको पता चल जाए कि हमारा जो नाव की चाल है वो धारा की चाल का 3 गुना है, 2 गुना है, आधा है, 54 है, जो भी, तो तुरंत आंसर निकल जाएगा ना, तो तुरंत इससे पता चल जाएगा, कैसे तुरंत पता चल जाएगा कि ये
ये इसका कितना है तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? ये आप तुरंत नियम लगाइए, ठीक। कैसे? एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई एक्स माइ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक। सिक्स प्लस फाइव सिक्स माइनस फाइव क्या हो जाएगा? वाई वाई गया, एक्स एक्स गया। टू एक्स अपॉन टू वाई इज इक्वल टू ग्यारह अपॉन वन, वन आएगा ना, हाँ ये गया। अब x इज इक्वल टू ग्यारह वाई, यानी देखिए तुरंत हमारे रिलेशन पता चल गया। हमारा जो नाव की चाल है, ये हमारा क्या था? नाव। ये हमारा नाव था, ये हमारा धारा था, धारा नहीं रहा था उल्टा। तो हमारे जो नाव की चाल वो धारा की चाल का ग्यारह गुना है। यानी अगर हमारा नाव की चाल हमारी धारा की चाल एक है, हमारी धारा की चाल जो है अगर एक किमी प्रति घंटा है, यदि हमारी धारा की चाल एक किमी प्रति घंटा है तो हमारी नाव की चाल कितना हो जाएगी? 11 किलोमीटर पर आवर। तुरंत इससे हम अपने सवाल को तुरंत इजीली बना सकेंगे। बस इसका यही यूज है। तब गठिया लो फार्मूला क्या था हमारा? ये हमारा फार्मूला था कॉम्पिटेंडो का, ए प्लस बी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। डिविडेंडो का सी माइनस डी, दोनों को मर्ज करने पर। अरे भैया एक ये बस, ठीक है। मिलते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आपको बीच में इसका यूज़ कहीं मिलेगा, आप रेशियो पढ़ेंगे तो उसका यूज मिलेगा ही मिलेगा यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब से वीडियो डेली आएगा यार, मोबाइल चोरी हो गया था सारा, मोबाइल चोरी का था इस पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है मैं ही जानता हूँ। अभी नया मोबाइल लिया है और उसी से रिकॉर्डिंग ही चल रहा है, समय यार जा नहीं रहा सही, ठीक। ट्राई करते हैं इसको बदलने की, अब से रेगुलर वीडियो आएगी। टेक केयर।